वंदु 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 गाजर ले लो, दूधी ले लो, धनिया ले लो, गोभी ले लो, मेथी ले लो, ले लो ले लो ले लो, संडे स्पेशल ऑफर है, ले लो। बहुत बढ़िया है सब कुछ, काफी फ्रेश है। एप्पल का है, सेब, सेब बोले थे ना लाने के लिए, 3 किलो सेब चाहिए मुझे, एप्पल पाई बनाना है। अरे यार एप्पल, वो तो मैं भूल गया। What do you mean भूल गया? उस दिन टमाटर की चटनी बनानी थी तो टमाटर लाना भूल गए थे, अब बिना एप्पल के एप्पल पाई कैसे बनाऊं मैं? साहब, ये सेब की थैली लेके बाहर ही खड़ा रहा हूँ या अंदर आऊं? वेरी स्मार्ट राजेश बाबू। तिवारी जी आइए आइए। क्या बाहर खड़ा रखा था? कमाल कर रहे आप भी तिवारी जी, कुछ देर तो चलने देते हमारा ये गेम। साहब चलने देता, पर क्या है, ड्यूटी छोड़ के आया हूँ ना साहब, जोशी बोले साहब को पता चला तो वाट वाट करके मेरी वाट लगा देंगे। सॉरी 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 तिवारी जी, एक्चुअली दक्कू भाई को पता चला तो घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, मैं एप्पल पाई जरूर भेजूंगी आपके लिए। एप्पल पाई मतलब ये क्या होता है? ये वो एप्पल सेब होता है ना, उसकी मिठाई होती है। ठीक है, प्लीज ये सब थोड़ा अरेंज करके रख दोगे, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। ओके थैंक यू। राज, राज, ये कितने एप्पल लाए हो? हाँ? कितने एप्पल लाए हो? कितने एप्पल मतलब 200 रुपए किलो। रेट नहीं, वेट पूछ रही हूँ, कितने एप्पल लिए? 3 किलो मंगवाए थे ना, तो 3 किलो ही है। 3 किलो नहीं लग रहे हैं मुझे, ये देखो। नहीं लग रहे मतलब, उसने 3 किलो ही दिया भैया ने मुझे। नहीं है भाई, तो बोल रही हूँ कम है। ऐसे कैसे? वेइंग स्केल का? सखी वेइंग स्केल लेकर आ। हाँ मैं देखती हूँ। कम है? ऐसे कैसे कम हो सकता है, 400 ग्राम कम है। ऐसे कैसे कर सकता हूँ भैया, उसने मेरे सामने वजन किया था। डैडी ऐसे फ्रॉड ना आजकल बहुत हो रहे हैं, एक तो वो वेइंग स्केल में गड़बड़ करते हैं, या फिर थैली में डालते वक्त ना चालाकी से एक दो से बाहर निकाल कर रखते हैं। हाँ सखी जरा थैली ला कर, मैं लेकर जाता हूँ ये सेब और उसकी बैंड बजाता हूँ मार्केट में। अब मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, इतना भी बड़ा कुछ हुआ नहीं, तुम क्या करोगी आखिर? डैडी लेके चलो ना, ऐसे फ्रॉड को एक्सपोज करने के लिए एक वीडियो बनाऊंगी मैं। नहीं नहीं नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है सखी, मैं अकेले हैंडल कर लूंगा ये। आ गया वो चोर, यहीं पे खड़ा था वो। हाँ ओ भाई साहब, ये 1.5 घंटे पहले यहाँ पर एक चोर एक सेब वाला अपना ठेला लगा कर खड़ा था ना। हाँ साहब, क्या हुआ, आपको सेब लेना है क्या? नहीं नहीं, सेब तो है ना, ये उसी से लिए मैंने सेब, लेकिन इन्हें लौटा के मुझे मेरे 3 किलो के पैसे वापस लेने। क्या हुआ साहब, सेब खराब निकले क्या? सेब नहीं, उस सेब वाले की नीयत खराब निकली। नीयत मतलब? मतलब तो उस सेब वाले को समझाऊंगा मैं। साहब वो तो कल सुबह ही मिलेगा, अपना सारा सेब बेच के घर चला गया। सेब बेच के नहीं, एक कस्टमर को चूना लगा के चला गया, लेकिन इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। कल उसके आने से पहले मैं उसे यहाँ खड़ा दूंगा। क्या हुआ, मिला वो ये पैसे वापस? हाँ नहीं मिला। अच्छा 4 सेब की वजह से ना, अपना मूड मत खराब करो राज। बात 4 सेबों की नहीं है या 200-300 रुपए की नहीं है बंधु, मेंटालिटी की है। छोटी छोटी चीजों में लोग बेईमानी करते हैं, हद है। सबको लगता है कि हमारे पास करोड़ों रुपए ऐसे ही पड़े हैं, हम मेहनत नहीं करते, मेहनत से वो करते हैं, तो इन्हें लूटो। नहीं कल मैं वापिस जा रहा हूँ मार्केट, इस सेब है उसके मुंह पर फेंक के मारूंगा और अपने पैसे लेकर रहूंगा, तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। भाई साहब आपने बोला था वो सेब वाला आ जाएगा, अभी तक आया नहीं है। आ जाएगा साहब। साहब अब चाय पीजिए, तब तक आता ही होगा वो। अरे बहन जी, अरे माफ कीजिए, माफ कीजिए बहन जी। रुक,
रन। पहचाना? पहचाना क्या? हाँ पहचाना, कल आप 3 किलो सेब लेके गए थे। 3 किलो लेकर नहीं गया था, 3 किलो के पैसे देकर गया था। लेकर गया सिर्फ 2 किलो 600 ग्राम। मतलब? अरे मतलब मुझसे क्या पूछ रहा है बेईमान? अपनी नियत से पूछ, जो चंद रुपयों के लिए खराब हो गई थी और ग्राहक को 3 किलो की जगह 2 किलो 600 ग्राम सेब बेचकर बेवकूफ बना दिया। साहब आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मैंने आपको आपके सामने 3 किलो सेब तोल कर दिए थे। हाँ और थैली में डालते समय उसमें से 400 ग्राम निकाल लिए। चल बहुत हो गया, ये लो अपने सेब ले लो और मेरे 600 रुपए वापस करो। ऐसे कैसे वापस दे दे, मैंने आपको 3 किलो सेब दिए थे, यानी आपसे रास्ते में कहीं पे गिर गए होंगे। छोटा बच्चा हूँ मैं, छोटा बच्चा हूँ मैं, चौराहा चलते ऐसे अपनी चीजें गिराता जाऊंगा? तू पैसे दे रहा है या पुलिस को फोन लगाऊं मैं? साहब मेरी बात सुनिए, मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने आपको 3 किलो सेब दिए थे, अब 400 ग्राम सेब के पैसों के लिए मैं बीवी बच्चों की झूठी कसम तो नहीं खाऊंगा ना। जो ग्राहक को ऐसे उल्लू बना सकता है ना, वो किसी की भी झूठी कसम खा सकता है। चलना बहुत हो गया, तू पैसे दे रहा है या पुलिस को फोन करूं मैं? ऐसा मत कीजिए, सब देख रहे, बोनी का वक्त है। अभी तेरी बोनी कराता हूं मैं, एक ही मिनट रुक अभी। पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपको आपको 600 रुपए दे रहा हूँ सब। चल दे। दे रहा हूँ सब। चल जल्दी दे। हाँ सब एक मिनट, सब ये 400 और 600 अब आया ना लाइन पे। आइंदा किसी से भी बेईमानी करेगा ना, उससे पहले 2 बार सोचना कि बेईमानी करके ये ऐसे चंद रुपए तो कमा लेगा लेकिन सामने वाले की नजरों में हमेशा के लिए इज्जत गवा बैठो। ठीक है? एकदम सही कहा भाई साहब। देखिए ये मैं भी इसी सेब वाले से सेब लेता था, पर आज के बाद कभी नहीं लेंगे हम लोग। बोलो भाई, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे हम लोग कभी, नहीं लेंगे, नहीं लेने वाले हम कभी। श्याम भाई, मैंने मैंने दिए थे 3 किलो से, मैंने मैंने कोई छह सौ रुपए मैंने अपने वापस लिए और उसके एप्पल जो फेंक मारे उसके मुंह पर। ये मैं दूसरे फ्रूट वाले के यहाँ से ले रहा हूँ और ये बिल्कुल 3 किलो है। हाँ इसमें 1 ग्राम भी कम नहीं है। मामा एप्पल पाई बना रही है यार। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं वो सेब वाला सच तो नहीं कह रहा था। आई मीन कोई अपने बीवी बच्चों की झूठी कसम क्यों खाएगा? क्या बात कर रहे हो तुम बंधु? हेलो मम्मी, हेलो डैडी, हाय। ये एप्पल डैडी, वो कल वाले ज्यादा मीठे थे। वो क्यों? क्या कल वाले मतलब? जो कल टोकरी में पड़े थे। अरे वाह फ्रेश सेब। डैडी बोलते हैं कि खेलने के साथ साथ खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए, फ्रूट्स तो बेस्ट है। ये 2 मेरे लिए और ये 2 मेरे ब्रो के लिए। मैं अभी आया। अरे डैडी कहाँ जा रहे हैं? सेब वाले से माफी मांगने। माफी मांगने क्यों? इंग्लिश वर्ड चाहिए, ई एच आई ई एन। मिल गया। अरे आपको तो मिल गया लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रही? मेरे सोने की चेन नहीं मिल रही है। क्या? अरे देखो कहीं रख दी हुई इधर उधर तुमने। अरे मैंने कहा ना, मैंने तकिए के नीचे रखी थी, अब रात में ना सोते वक्त चुभ रही थी इसलिए मैंने निकाली और तकिए के नीचे रख दी और फिर भूल गई। जब मुझे याद आ गया मैंने देखा तकिए के नीचे चेन ही नहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। राधिका तुम जरा ध्यान से सोचो, आखिर तुमने चेन रखी कहाँ थी? मैंने कहा ना तकिए के नीचे रखी थी, फिर भी तुम। मम्मी मंगेश तेरे रूम में आया था। मंगेश? नहीं नहीं मंगेश नहीं आया था। तू श्योर है? हाँ श्योर हूँ, जहाँ तक मुझे याद है शायद नहीं आया था। शायद या पक्का? मम्मी शायद भी और पक्का भी।
मनोज ये बता, तुझे मंगेश पर डाउट है क्या? हमारे घर में वो अकेला ही खोटा सिक्का है, इस पे डाउट किया जा सकता है? पर डाउट करने की कोई वजह भी तो होगी ना बेटा। वजह है ना, सॉलिड वजह है। क्या वजह है? वो मैं उसके आने के बाद उसके सामने बताऊंगा। और हाँ, उसके वापस आने के बाद तुम दोनों में से कोई उसे कुछ नहीं पूछे। जो पूछना है मैं पूछूंगा। सेब वाला कहाँ गया? साहब उसको उसके गांव से फोन आया था, उसके पिताजी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई, तो उसने चालू डब्बे का टिकट लिया और ट्रेन पकड़ के तुरंत गांव निकल गया। क्या साहब मेरी बात सुनिए, मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने आपको 3 किलो सेब दिए थे, अब 400 ग्राम सेब के पैसों के लिए मैं बीवी बच्चों की झूठी कसम तो नहीं खाऊंगा ना। मैं जो ग्राहक को ऐसे उल्लू बना सकता है ना, वो किसी की भी झूठी कसम खा सकता है। क्या हुआ साहब, आपको कुछ काम था क्या उससे? उससे माफी मांगनी थी। जैसे हुआ यूं, उस दिन मैं यहां से साहब, आपका पूरा बात सुन के ना हमको बहुत दुख हो रहा है, आपके लिए भी और उसके लिए भी। रुकिए साहब, मेरे पास ना उसका फोन नंबर होगा, हम आपको नंबर देते हैं, आप उससे बात कर लीजिएगा। हाँ ये है साहब, ये ले लीजिए। सेब वाला मिला क्या? नहीं नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। राज इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे एक बार उस सेब वाले को सॉरी कहना है, और जब तक मैं उससे माफी नहीं मांगता ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। डैडी एक बार उसको कॉल करके देखो। फोन किया था कि उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। डैडी एक और बार ट्राई करो, शायद इस बार फोन लग जाए। The number you are trying to call is currently switched off. डैडी डैडी आप ना सेव वाले को वॉइस मैसेज भेज दो, जब भी वो फोन ऑन करेगा तब मैसेज सुन लेगा। हाँ हेलो भाई साहब, मैं राजेश वागले बात कर रहा हूँ। हाँ मैं आपसे 3 किलो सेब लेकर गया था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं आपको कुछ तैश में आकर ज्यादा ही बोल गया, अनाप शनाप। ये मैसेज जैसे ही आपको मिलता है आप प्लीज मुझे ओके भेज दें, ताकि मुझे यकीन हो जाएगा कि आपने मुझे माफ किया। और जब आप दोबारा वापस मार्केट में आएंगे तब आप प्लीज मुझे फोन कीजिए, तो मैं सामने से आकर आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। और जो 600 रुपए आपसे लिए थे वो भी मैं आपको लौटाना चाहता हूँ। शुक्रिया।
वैसे डिलीवर नहीं हुआ, अभी भी एक टिक ही दिखा रहा है। इतनी देर होगी लेकिन मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। साहब मेरी बात सुनिए, मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने आपको 3 किलो सेब दिए थे, अब 400 ग्राम सेब के पैसों के लिए मैं बीवी बच्चों की झूठी कसम तो नहीं खाऊंगा ना। तू पैसे दे रहा है या पुलिस को फोन करूं मैं? पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपको आपको 600 रुपए दे रहा हूँ सर। राज प्लीज खाना तो खा लो। कैसे खा लो बंधु, मुझे ये बात कही जा रही है कि मुझसे ऐसी गलती हुई कैसे? एक गरीब सेब वाले पर इल्जाम लगाने से पहले मैंने एक बार भी ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मैं भी तो गलत हो सकता हूं? उस गरीब का बड़प्पन देखो कि गलत ना होते हुए भी उसने सेब के सारे पैसे वापस किए। छोटा होके बड़ा बन गया और मैं बड़ा होके छोटा साबित हो गया। अच्छा सुन, मैं क्या बोलता हूँ, देख मम्मी ने तेरे को बता तो दिया है कि उसकी चेन गुम हो गई है, लेकिन बस तू उस मैटर में इन्वॉल्व मत हो। क्या मंगेश को मैं संभाल लूंगा, तू तेरे सेफ वाले मैटर पे ध्यान दे, ठीक है? ठीक है दादा, तुम अपने तरीके से मंगेश के साथ डील करो, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भले 100 गुनेगार छूट जाए लेकिन किसी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसा होता है ना तब बहुत तकलीफ होती है, जिसे सजा मिलती है उसे और जो सजा देता है उसे भी। मैं समझता हूं तू सेब वाले के एंगल से सोच रहा है, लेकिन सारी उंगलियां बराबर नहीं होती ना राजू। देखो सेब वाला ईमानदार निकला, इसका मतलब ये नहीं कि मंगिया भी ईमानदार निकलेगा। ये मंगे अभी तक आया क्यों नहीं? आ जाएगा, इतना बेचैन क्यों हो रहा है? क्या काकू, मैंने देख लिया है घर में कुछ भी गलत हो जाए इसका डाउट हमेशा मंगेश पे ही जाता है। मम्मी हमेशा नहीं जाता है, पर इस बार मुझे उस पर पूरा डाउट है। डाउट नहीं बल्कि तूने ये मान लिया है कि काकू की चेन मंगेश ने ही चुराई है। काकू मैं मानती हूँ कि मंगेश 100-200 रुपए की हेरा फेरी करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये चोरी भी उसी ने की है। क्योंकि तू माँ की नजर से देखती है ना विद्या, तू एक बार मेरी नजर से देख के देख, तुझे सच साफ साफ नजर आएगा। और इस बार मेरे पास सॉलिड रीजन है उस पर डाउट करने के लिए कि मम्मी की चेन उसी ने चुराई। कौन सी चेन? मैंने कोई चोरी वोरी नहीं किया। मम्मी देख ले अपने पति को, तेरे बेटे पे क्या फालतू का इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम है या सच्चाई है अभी पता चल जाएगा बेटा। तू पहले ये बता, तू 2 दिन पहले चाय की टपरी पे तेरे छपरी दोस्त के साथ क्या बात कर रहा था? मैं अपने दोस्तों के साथ 100 तरह की बातें करता हूँ, तू किस बात की बात कर रहा है? अभी जो क्रिकेट टूर्नामेंट चल रही है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तू उस क्रिकेट टूर्नामेंट में बेटिंग कर रहा है और बेटिंग में तू पैसे आ रहा है, इसीलिए तूने मम्मी की चेन चुराई है। बेटिंग यानी सट्टा? सट्टा सट्टा। अरे जिस चीज के बारे में पूरी जानकारी ना हो तो चुप रहना चाहिए। मैं बैटिंग नहीं, बैटिंग बल्लेबाजी उसकी बात कर रहा था। अरे इस टूर्नामेंट में मेरे कई सारे फेवरेट क्रिकेटर्स खेल रहे हैं तो मैं उनकी बैटिंग की बात कर रहा था, समझा तू? देखा मैंने कहा था ना, मेरा बेटा इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकता। अब तेरा डाउट क्लियर हो गया मनोज, या अभी भी डाउट है? अभी तो मेरा डाउट और भी पक्का हो गया है विद्या। इसने तो बात को घुमा दिया है, लेकिन मुझे मालूम है ये बैटिंग की नहीं बेटिंग की बात कर रहा था। और सुन, भले ही मैं अभी साबित नहीं कर पाया लेकिन मैं जल्द ही साबित कर दूंगा कि एक चोरी तूने ही की है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.